बारे में कब तक रिलीज करना? ये हमारा 22 तारीख को हम रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, 22 दिसंबर, और ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ऑन ड्रग्स एंड मर्डर मिस्ट्री। तो इसमें हमने दिखाया है कि एक सोसाइटी में ड्रग्स का जो बैड इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा हो गया, यंगस्टर्स की जनरेशन कितनी ख़राब हो रही है ड्रग्स की वजह से, तो इसके ऊपर हमने ये मूवी बनाई है। आप पहले भी कुछ किए हो, क्या करते हैं? बता, मैंने सबसे पहले करी थी, मैंने वीर मूवी करी थी जिसमें मैं सलमान खान, मिस्टर सलमान खान सर का फ्रेंड का रोल करा था उसके अंदर। वो मूवी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मेरा थोड़ा रोल एडिट हो गया था, थोड़ा कम दिखा मैं उसके अंदर, लेकिन उससे मेरे को एक बहुत कुछ सीखने को मिला, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का, तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस मूवी से। फिर उसके बाद मेरी एक मूवी आई थी स्टैंड बाय, वो 4 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर ने बनाई थी, मिस्टर संजय सूरकर, उसके अंदर 3 लड़के थे तो आई वॉज डूइंग अ सेकेंड लीड। दैट मूवी वॉज ऑन फुटबॉल गेम के ऊपर थी। फिर मेरी एक मूवी आई थी विनाश काल, जो कि मैंने करी थी राकेश सावंत के साथ, राकेश सावंत के ब्रदर, वो 3 लैंग्वेज में बनी थी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, विनाश काल, और वो बहुत अच्छी गई, उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर अब मेरी ये मूवी आ गई लीथल ट्रिप, जो उस पर हमने पूरी बहुत मेहनत करी है, काम करा है। तो मेल आप कर रहे हो? हाँ जी, मैं मेल। थोड़ा किरदार के बारे में बताइए, किस तरह? ये एक लड़का है जो कि बहुत आउटगोइंग है, मज़े करने वाला है, चिल आउट रहता है, नशे करता है, और उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि उसको पता चलता है कि नशा करना कितना ख़राब है, तो वो चीज़ दिखाई हमने इसके अंदर। एक तरह सीख भी है, मतलब हाँ वो सीख है पूरी की सोसाइटी के अंदर इसका कितना बैड इफेक्ट है। इसके अंदर मेरे साथ सरेफार है जो कि एक ईरानियन एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में भी उसकी कई अच्छी मूवीज आई हैं, व्हाट्सएप लव करके आई थी एक मूवी, और शी इज़ अ वेरी नाइस एक्ट्रेस। और एक लाडा लक्की है जो कि रशियन एक्ट्रेस है और यूरोप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तो वो हैं। प्लस अपने बैरी जॉन जो हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं इंस्टीट्यूट के, और अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे, मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं इसके अंदर, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज नहीं हैं इसके अंदर, लेकिन अच्छे एक्टर्स जिन वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं वैसे एक्टर्स हैं। तो फिल्म कब रिलीज होगी, कब कहाँ देख पाएंगे लोग, क्या प्लान? ये फिल्म हम रिलीज का प्लान कर रहे हैं 22 दिसंबर को, तो हाँ थिएटर्स में, तो जल्दी देखने को मिलेगी। किस प्रोडक्शन हाउस से ये फिल्म बन रही, क्या है? ये मूवी बनी है रेनेसा मोशन पिक्चर्स। एक्चुअली क्या है कि मैंने कई सारी मूवीज करी, अब क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमें अपनी चाहत का कैरेक्टर, अपने चाहत का रोल करने को एक बहुत हमें मतलब उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमने मेरे ब्रदर ने एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस, मेरे को उसने थोड़ा बोला कि साथ में प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, अपना कुछ करते हैं, सालों से तुम काम कर रहे हो, तो ये हमने अपना मतलब होम प्रोडक्शन की मूवी है ताकि हम अच्छा कुछ दिखा सकें, अपने हिसाब से लोगों को अपना काम दिखा सकें, तो ये हमारे प्रोडक्शन की मूवी है एनएसओ मोशन पिक्चर, जो कि मेरे ब्रदर ने और मैंने साथ में मिलकर खोला है। अभी बस ये हमारी फर्स्ट मूवी है, इसके बाद हमारी 3 मूवी लाइनअप है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, वो साईफाई मूवी है, एक ट्रेजर हंटिंग के ऊपर है, एक अलग है, मैं उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कितनी जल्दी आउट हो जाती है मार्केट के अंदर। तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका, आप म्यूजिक सुनेंगे, ये हंगामा ने रिलीज करा है, बॉलीवुड हंगामा ने, और इसमें 3 गाने हैं, एक जर्नी सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक पार्टी सॉन्ग है, और अपना वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स, वेरी नाइस सॉन्ग्स, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगता है। डायरेक्टर इसके अंदर है विक्रांत देव, जिन्होंने काफ़ी काम करा है, एज एन असिस्टेंट उन्होंने यहाँ पे 10-15 सालों से काम करा है अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, बाकी एज अ सोलो डायरेक्टर वो हमारे साथ इस मूवी के अंदर फर्स्ट, मतलब उनका ये प्रोजेक्ट है, तो वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर ही इज़, तो उन्होंने साथ में हमारे ये मूवी करी है। शूटिंग हमारा ये करिए दिल्ली के अंदर, अपना यूपी के अंदर, देहरादून के साइड में, मेरठ के अंदर हमारा फार्म हाउस है वहाँ पे, तो पूरा वहीं पर नॉर्थ के साइड पर पूरी शूटिंग हुई है इस मूवी की। घटना हो ऐसी जो आपको याद है शूटिंग के दौरान, कुछ हुआ हो या फिर वीर के टाइम की बात हो, सलमान के भाई के साथ में? वीर में तो बस बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वहाँ पे तो बस मतलब आप समझो कि एक छोटा सा ट्रैक होता था, सुबह हम घोड़े पे बैठते थे और 9 बजे से शाम को 9 बजे तक घोड़े पे ही रहते थे, ट्रेन के साथ घोड़े दौड़ते थे, कौन से लोग कब कहाँ कितने गिर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता था, एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, बस उसमें ले जाके लोगों को ले जाते थे, भैया जो गिर गया उसको ले जाओ हॉस्पिटल और बाकी शूटिंग करो। और इसके अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कभी हम शूटिंग कर रहे थे, एक दिन हम शूट कर रहे थे रात को, जिस बंगलो के अंदर हम शूट कर रहे थे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा आग वाग टाइप की लग गई, फिर हमें रात को 2-3 हमें करने ही करने थे, किसी भी तरीके से वो शूट करना ही था, क्योंकि मेरे एक्टर्स जो थे जितने भी उनकी डेट थी और उनको नेक्स्ट डे उनको जाना था दूसरे अपने शूट पे, तो बस रात को ही वो आग वाग लगी, हमने रात के अंदर दूसरा एक क्या कहते हैं फार्म हाउस अरेंज करा, बहुत मतलब हेक्टिक था वो, तो वो बड़ा मतलब एक
ऐसा भूल नहीं सकते एक्सपीरियंस, वैसा एक्सपीरियंस था। तो फिल्म प्रमोट का जो दौर चल रहा आजकल, उसके लिए क्या क्या मकसद कर रहे हो आजकल? आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ही सब कुछ करता है, तो बस वही है कि मेन मेरा फोकस ये है कि सोशल मीडिया पे मैं मूवी को प्रमोट करूँ। बाकी अपना प्रिंट मीडिया है, उसमें भी थोड़ा बहुत अभी आया है, अभी और भी आएगा, और डिजिटल मीडिया है, उसमें सब जगह सोशल मीडिया पे ही मेरा मतलब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पे ही करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहो, ड्रग से दूर रहो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। लाइफ एक बार ही मिलती है, आदमी को पता नहीं चलता कि अगले बार कहाँ जाएगा, कहाँ से आया है, तो जो प्रेजेंट में लाइफ है उसको अच्छे से आप यूज़ करो, अच्छे काम करो, और ड्रग से, नशों से बहुत दूर रहो। लव योर लाइफ, लिव योर लाइफ।